नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। मनीष सिसोदिया हुआ गिरफ्तार, आमने सामने आम आदमी पार्टी और बीजेपी। अग्निवीर योजना पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई मुहर, देश और सेना के हित में बताया, दखल देने से किया साफ इनकार। कांग्रेस का रायपुर अधिवेशन, कई मुद्दों पर होगी चर्चा, सीक्रेट प्लान हुआ तैयार। शिव मेगा में एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नव कर्नाटक संगठन के कार्यकर्ता काले झंडे लेकर पहुंचे। भारत इजराइल के बीच जल्द हो सकता है मुक्त व्यापार समझौता। बिहार में अमित शाह ने नीतीश पर साधा निशाना, लालू बोले 2024 में बीजेपी की विदाई लगभग तय। महिला टी20 वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया ने लगातार छठवीं बार जीता, दक्षिण अफ्रीका का 19 रन से हराया। मेघालय नागालैंड में वोटिंग जारी, सुबह 9 बजे तक नागालैंड में 17% और मेघालय में 12% तक हुई थी वोटिंग। यमुना एक्सप्रेस वे पर डिवाइडर से टकराकर पलटी बस, 3 की मौत 40 घायल। बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, पठान बना बॉक्स ऑफिस का असली शहजादा, खराब हुई अक्षय कार्तिक की हालत।